भगवान शिव की तीन परिक्रमा लगाई जाती है। अभी तीन क्यों लगाई जाती है इसका भी थोड़ा सा विधान सुन लो आप। भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। कैसे हैं? त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है, बोले प्रभु आप हमारे भूत भविष्य वर्तमान की रक्षा करने वाले हो, इसलिए आप हमारे भूत भविष्य वर्तमान को सुधारो, इसलिए तीन परिक्रमा लगाई जाती है। अब इसमें भी एक संशय है, एक भ्रम है जो पूरे भारत में फैला हुआ है, हम सबको समझाते समझाते थक गए। कोई कहता है आधी लगाओ, कोई कहता है पूरी लगाओ। अभी आधी पूरी क्यों है थोड़ा समझा दूं। भगवान शिव पर हम जब अभिषेक करते हैं तो दूध दही जल निकलता है आगे। अब यदि हम पूरी परिक्रमा लगाएंगे तो क्या होगा, या तो उस दूध दही जल को लांग कर जाना पड़ेगा, या फिर उस पर पैर रख के, और भगवान पर चढ़ी गई वस्तु को लांगना और उस पर पैर रखना दोनों ही अपराध है। इसीलिए विधान बनाया कि आधी परिक्रमा लगाओ, लेकिन क्योंकि हम आधुनिक युग के हैं, अब इस प्रकार के मंदिर बनने लग गए हैं, बोले ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड सुविधा है जल की निकासी की, तो जहां पर जल की निकासी की सुविधा है, हमारा पैर उस जल पर नहीं पड़ रहा है, उस स्थान पर आप पूरी पूरी तीन परिक्रमा लगा सकते हो।